करेंगे। पंडित जी साहब देखिए प्रधान जी बड़े यानी विद्वान तो होने के नाते बुद्धिमान तो होना जरूरी भी था। प्रधान जी ने भाई साहब की अकलमंदी की तारीफ की और मेरी भी, पर आपने लिए नहीं कह रही है। ऐसा है मेरे भाई साहब ने जो वेद के संदर्भ में दुष्टों को मारो पीटो काटो की बातें हैं, ये पहले ही इन्होंने अपने वक्तव्य उसका स्पष्टीकरण दे चुके थे कि जहां पर आतंकवाद फैला रहा है, चाहे वो मुसलमान आतंकवादी हो चाहे वो नक्सलिस्ट आतंकवादी हो, अभी तो एक ट्रेन का ही अगवा कर लिया था, पर उन लोगों को मुसलमान नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पर वेद का जो आदेश है, वेद को किसी जाति विशेष को मारने की बात नहीं है, दुष्टों को मारने की बात है, दुष्टों को दंड देने की बात है। और दुष्ट चाहे कोई भी हो, दुष्ट चाहे कोई भी हो, यहाँ पर कोई संप्रदाय की बात नहीं आई है, लेकिन कुरान में तो केवल संप्रदाय के लिए ही कहा है। कुरान में संप्रदाय को छोड़ करके औरों के लिए दंड देने की बात नहीं है। वहां पर जब वेद में जहां तक मारो काटो लूटो पीटो की बातें हैं, वो परित्राणाया साधुनां विनाशाचा दुष्कृताम वाली बातें हैं, यानी अपगणन तो आरावना शब्द आया वेद के अंदर, यानी जो दुष्ट है तो उन दुष्टों को दंड देने की बात है। लेकिन कुरान में दुष्टों को दंड देने वाली बात तो नहीं है, वहां तो एक वर्ग विशेष का नाम लिया जा रहा है जो गैर है, तुमसे जो अलग है, उन सबको मारो काटो लूटो पीटो। रही बात कि जिन लोगों ने वहां से निकाला, अगर जिन लोगों ने निकाला उनसे तुम नफरत रखो दोस्ती ना रखो, तो नफरत दोस्ती फिर से ना रखो कि जिन्होंने तुमको तुम्हारे घर से निकाला। पर आज तो वो परिस्थिति नहीं है, आज तो कोई अरब ममालिक से कोई सऊदी अरबिया से किसी को नहीं निकाल रहा है, तो कम से कम आज भी तो ये आयत मनसूख कर लेना चाहिए था, इन आयतों को बदल देना चाहिए था, पर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक धोखा देने वाली बात है, तो मानव मानव के साथ धोखा क्या दे, कुरान का अल्लाह तो स्वयं दो जगह धोखा दिया है। अल्लाह ने साफ कहा मा करू मा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि धोखा देते हो तुम, मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूं, मैं सबसे बड़ा मकर करने वाला हूं, मकर माने धोखा होता है। तो जब अल्लाह स्वयं बंदे के साथ धोखा करे तो भला बंदा तो कौन बचाएगा। इसीलिए तो लोगों ने कहने के लिए भी लोग मजबूर हो गए कि बंदों को देख कर मुनकिर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के वो खुदा कोई अच्छा खुदा न होगा। पानी है मेरे पास, तो मैंने ये निवेदन किया कि इनकी बातों से तो अपने आप ही बात कट रही है, लेकिन वेद में कोई ऐसा आक्षेप ये दिखाया जाए कि जहां पर मुसलमानों को ईसाइयों को जैनियों का बौद्धिस्टों का कोई संप्रदाय वालों का नाम लिया गया हो कि उनको मारो काटो, उनको मारो काटो नहीं, दुष्ट दुष्ट जो है दुष्ट तो किसी कौम का क्यों ना हो, उन दुष्टों को दंड देना ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है और परमात्मा की विधि यही है। वहां पर कोई जाति वर्ग विशेष का नाम नहीं है। रही बात के कुरान के साथ वेद का तुलना करना, मैं पहले ही अपने वक्तव्य में इसका स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि कुरान के साथ वेद का तुलना करना किसी भी हालात में संभव नहीं है, क्योंकि वेद जाति विशेष के लिए नहीं, वेद वर्ग विशेष के लिए नहीं, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, विश्व के आंगन में शांति फैलाने के लिए ही, मानव मात्र के लिए अगर एक ही व्यवस्था हो जाए तो विश्व के अंदर में शांति का फैलाना शांति का आना संभव होगा। लेकिन न्याय व्यवस्था यहाँ जाति विशेष के लिए अलग, वर्ग विशेष के लिए अलग, संप्रदाय विशेष के लिए अलग, और इस्लाम के मानने वाले कुरान के आधार पर ही दावा करते हैं कि हम सिविल को मानेंगे क्रिमिनल को मानेंगे नहीं, तो अपने आप ही अशांति होना है। तो शांति के लिए प्रक्रिया कहाँ है, शांति के लिए वो रास्ता कहाँ है, शांति के लिए वो परिपाटी कहाँ है। बाकी कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं, यहाँ पर कुरान में स्वयं अल्लाह ने कहा वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला पसंद नहीं करते जो फसाद फैलाते हैं। जब अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं फसाद फैलाने वालों को, तो अल्लाह कह रहे हैं कि ला यत्तखिज़ुल मोमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से, अगर दोस्ती रखते हो तुम काफिरों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। तो ये सब परस्पर विरोधी बातें हो रही है ना, तो वेद में ये सब विरोधी बातों के लिए जरा सा भी गुंजाइश नहीं। यही कारण बना
कि वेद में विज्ञान विरुद्ध बातों की कोई गुंजाइश नहीं है और वेद से इतर जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं सब जगह विज्ञान विरुद्ध बात की गुंजाइश है, सृष्टि नियम के विरुद्ध बातों की गुंजाइश है सब जगह। यही कारण बना कि कुछ आयत कुरान का मक्का में है और कुछ मदीना में है, जबकि कुरान को अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि कुरान को एक रात में ही नाजिल किया गया। और ये तारिक मुर्तजा के साथ तो हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनके साथ भी बात हुई और जाकिर नाइक के साथ 2004 से मेरा निरंतर चल रहा है। जाकिर नाइक जो अपने को कंपैरेटिव स्टडी का जानकार मानते हैं और 2004 से वो मौन है, बाकायदा मैंने उनको लिख करके दिया और एक लेख यहाँ मेरे पास है भी जो जाकिर नाइक को मैं दिया हूँ, उसका उत्तर 2004 से लेकर के अब तक नहीं आया और मैंने इनको कयामत से पहले पहले जवाब देने तक के लिए समय दिया, पता नहीं उतना दिन तक वो जीवित रहते या नहीं। तो इस प्रकार से जब दोनों को हम तुलना करेंगे, दोनों को जब देखेंगे तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो जब दोनों में आसमान जमीन का अंतर है फिर हम दोनों को लेकर के ये कैसे कहना हमारे लिए संभव होगा कि दोनों से ही शांति का आना संभव है। और जब दोनों को हम एक ही सिद्ध करने में तुले हुए हैं, दोनों को हम एक ही मानने में लगे हुए हैं कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है और कुरान भी ईश्वरीय ज्ञान है, जबकि दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। तो जो बातें वेद में है वो वेद की बातों को कोई जाति विशेष के लिए नहीं, कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं, कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, वो मानव मात्र के लिए है। कोई जाति विशेष के लिए नहीं, कोई मुल्क वालों के लिए भी नहीं है, पर कुरान तो मुल्क वालों के लिए भी है, जाति विशेष के लिए वर्ग विशेष के लिए तो वो हिदायत है ही, वालों के लिए वहां गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हमें ये समझना है कि जब हम दोनों किताब को एक ही में लेकर के चल रहे हैं तो दोनों में मेल है ही नहीं, तो हम एक कैसे मान सकते हैं दोनों को। मेरा मूल प्रश्न यह है कि जब दोनों की मान्यता अलग है, दोनों की मान्यता अलग है तो हम फिर दोनों को एक कैसे माने, कैसे मानना कैसे संभव है, यहां पर मेरा मूल प्रश्न है। रही बात जो शांति की, तो जो दोनों में विरोधी बातें हो जाएंगी तो फिर शांति का होना संभव कैसे होगा, दोनों में शांति तो होना फिर संभव नहीं होगा। जब तो शांति अगर संभव है तो एक में ही होना, एक सही होना संभव है। आगे हमारे भाई साहब बोले। धन्यवाद पंडित जी। दोनों में जब विरोधी बातें होंगी तो दोनों में शांति नहीं होगी। बड़ी अजीब बात तो सारी थी, ये तो बात यहाँ जा रही है कि हम तो विरोधी दोनों में नहीं मानते, ये विषय नहीं है। मैं फिर बार बार ये बात कह देता हूँ, नहीं आपको इस आपत्ति नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस विषय पे भी कभी मैं करना चाहूंगा बात कि नहीं दोनों में विरोध नहीं है, अभी समय नहीं है, इसमें तो कई दिन लगेंगे, ये तो दोनों ने मैं हम मानते हैं और नहीं है। तो जब हम मानते हैं दोनों में विरोध नहीं तो शांति तो सिर्फ हमारी तरफ से हो सकती है। आप मानते हैं दोनों में विरोध है और विरोध है तो शांति नहीं होगी, तो आप ये मान रहे हैं कि दोनों में शांति कभी नहीं होगी। हम तो दोनों को एक मानते हैं तो दोनों में शांति होगी और लानी पड़ेगी, नहीं ताली नहीं, ताली नहीं बजानी, ताली नहीं पहले। तो अब खैर ये देखिए, ये जो यहाँ पर बार बार ये कहा हमारे यहाँ पर पंडित जी ने कहा, पंडित जी महोदय ने यहाँ पर बार बार ये कहा कि कुरान एक वर्ग विशेष की बात करता है, वे तो खाली दुष्टों को कह रहा है। बात यह है कि जो अल्लाह को अब कह दे कुरान का अल्लाह, बड़ी अजीब बात है। बच्चा बंचा अब तो छोटे छोटे गांव के जो साइकिल का पंचर जोड़ते हैं उनसे बात करते हैं कि अल्लाह ईश्वर अलग है, कहते नहीं एक है, कहते कुरान का अल्लाह अलग, कुरान का अल्लाह तो ये करता है। तो बात यह है कि ईश्वर चाहे तुमने गलत समझ लिया हो, आप अगर अल्लाह कह रहे हैं चाहे जिन शब्दों के अंदर बात करें उसी को कह रहे हैं तो उसका नाम तो, अगर आप मुझे कोई मैसेज कह रहा हूं आपसे मुझे उस पर गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन आदर इसी लीजिए और ये कह लीजिए कि तुमने गलत समझा उसे, लेकिन उसको इसलिए कि वही ईश्वर है और आपके मुंह से क्यों उसका अनादर हो जाता है। यहां पर मैं खुद नहीं कह रहा, किसे कहा उन्होंने, मतलब जैसे इस्लाम को नहीं मान ले काफिर कहा, तो जो कुरान की बात नहीं मान रहा उसे दुष्ट कहा। ये वर्ग विशेष नहीं हुआ, ये समुदाय नहीं हुआ। यहाँ स्वामी दयानंद जी ने ही लिखा है, मैं उनका अनुवाद लेकर आया हूँ, उन्होंने खुद ब्रैकेट लगाकर ये लिखा है कि तू वेद निंदक को, अब दुष्ट किसे कह रहे हैं, वेद निंदक को, जो वेद को नहीं मान रहा, जो वेद की निंदा कर रहा है। तो अब जितने यहाँ पर वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू या सनातन धर्मी नहीं कहते, और बहुत से उनमें से भी जो हिंदू है वो वेद निंदक है या वेद को नहीं मानते, तो फिर उनके अलावा बाकी सबको कह रहा है। ये स्वामी दयानंद ने लिखा है यहाँ पर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे,
फूंक दे, भस्म कर दे। ये वेद का इसका मंत्र है, बात इसका